नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। पटना के गर्दनीबाग हाई स्कूल में अभी चल रहा है बिहार सिपाही का शारीरिक परीक्षा। 11,880 पदों के लिए ये शारीरिक परीक्षा चल रही है और इसमें जो है अभ्यर्थियों को हर एक दिन उनके रोल नंबर के हिसाब से बुलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि लगातार वैसे छात्र पकड़े जा रहे हैं पुलिस के द्वारा जो कि पीटी परीक्षा पास हैं, लेकिन जब कागजात की जांच की जा रही है, फोटो के मिलान की जा रही है, बायोमेट्रिक निशान लिए जा रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये छात्र पीटी परीक्षा में बैठा ही नहीं था और उसके बदले में कोई मुन्ना भाई सॉल्वर गैंग जो है उसको बैठाया गया था। मोटी रकम वसूली गई थी और फिजिकल देने के लिए जो वास्तविक अभ्यर्थी है वो पहुँच रहा है। आपको बता दें कि 27 नवंबर को परिवहन विभाग के द्वारा चालक पदों के लिए फिजिकल टेस्ट लिए जा रहे थे, जिसमें पता 15 जो वैसे अभ्यर्थी पकड़े गए जो कि पीटी परीक्षा में शामिल नहीं थे और उनके नाम पर कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ था और इन पर जो है FIR दर्ज किया गया और इन्हें जेल भेजा गया। 1 तारीख से शुरू होता है सिपाही भर्ती का फिजिकल टेस्ट और एक पहले दिन ही 7 अभ्यर्थी ऐसे फर्जी पकड़े जाते हैं जो कि परीक्षा में पीटी परीक्षा में खुद नहीं बैठे थे, उनके नाम से कोई और बैठा था। दूसरे दिन भी 5 ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, फिर से 7 दिसंबर को 5 लोग पकड़े जाते हैं और सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो 8 दिसंबर को 50 अभ्यर्थी ऐसे पकड़े जाते हैं जो कि पीटी परीक्षा में खुद शामिल नहीं हुए थे, उनके बदले में कोई और बैठा हुआ था। वही बता दें कि कल यानी कि 9 दिसंबर को ऐसे 21 अभ्यर्थी फिर पकड़े गए हैं जो कि उस परीक्षा में पीटी में शामिल नहीं थे, सिर्फ फिजिकल देने के लिए आए थे। आपको बता दें कि अतुल वत्स करके एक व्यक्ति है जिसका नाम आ रहा है। कुछ दिन पहले बोरिंग रोड के उसके अपार्टमेंट में छापेमारी की गई थी पटना पुलिस के द्वारा और वहां से कई राज्यों के मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कर कई सारी सरकारी नौकरियों से संबंधित कागजात, क्वेश्चन पेपर, मोहर और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे जो कि आम आदमियों के पास नहीं होने चाहिए और पुलिस जो है लगातार उसकी खोज में छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला है। पटना, जहानाबाद सभी जिलों में उसके लिए छापेमारी चल रही है। आप समझ सकते हैं कि बिहार की परीक्षाओं में जो है वो सॉल्वर गैंग जो सेटरबाज हैं, मुन्ना भाई हैं, उनका कितना दबदबा बढ़ चुका है और कितनी उनकी पहुँच है कि कितनी परीक्षाओं को क्वेश्चन पेपर वो पहले वायरल करा देते हैं, अपने जो भी जो उनको पैसे देते हैं, जो छात्र उनके बहकावे में चले आते हैं उनके लिए वो क्वेश्चन आउट करते हैं और इससे प्रभावित होता है पूरी परीक्षा प्रणाली। और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि केवल सेटरबाजों के द्वारा ही ये किया जा सकता है। अगर आयोग स्तर पर भी कोई मिली भगत नहीं होगी तब तक ये सेटरबाज जो है कामयाब नहीं हो सकते हैं, नहीं इनको क्वेश्चन पेपर जो है वायरल किया जा सकता है। हालांकि 2016 में BSSC मामले को लेकर पटना पुलिस ने SIT का गठन किया था, जिसमें BSSC के जो अध्यक्ष हैं सुधीर कुमार, सचिव परमेश्वर राम, सभी की मिली भगत मिली थी क्वेश्चन आउट कराने में, अपने जान पहचान परिचिति को क्वेश्चन देने में, और ऐसे में उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था। लेकिन सुधीर कुमार जेल से बाहर आने के बाद वो फिर से सरकार ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है और भू राजस्व व्यवस्था का उन्हें जो है वो प्रधान सचिव भी बना दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो है वो कैसी स्थिति है, कितना जकड़ चुका है यहाँ पर जो गोरख धंधा है परीक्षाओं में धांधली करने वाला। आपको हम बता दें कि जो परीक्षाएँ होती हैं, जो सॉल्वर गैंग होते हैं वो छात्रों को प्रलोभन देते हैं कि आपके बदले में कोई जो एक स्कॉलर होगा जो कि महारत हासिल किया है पढ़ाई लिखाई में, और ये स्कॉलर जो हैं वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो कि किसी नौकरी में होते हैं और उनकी तैयारी का जो स्तर है वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो किसी दूसरे के बदले में उसके बदले में परीक्षा में भाग लेते हैं और उसे PT क्वालिफाई करवा देते हैं और फिजिकल टेस्ट केवल जो अभ्यर्थी हैं उन्हें देना होता है। लेकिन बिहार पुलिस में फिजिकल टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा मुस्तैदी रखी गई है और काफ़ी बारीकी से जो कागजातों की और बायोमेट्रिक मिलान की जांच की जा रही है और ऐसे में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। कल मैं गर्दनीबाग थाना गया था, वहाँ पर देखा हाजत में ठूसे हुए थे वैसे अभ्यर्थी जो कि फर्जीवाड़ा करके या किसी दूसरे को अपने स्थान पर बैठा कर
फिजिकल टेस्ट देने आए हुए थे पीटी परीक्षा पास करने के बाद। और जब हमने बात की गर्दनीबाग के थाना प्रभारी प्रभारी से, तो हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो उन्हें अधिकार नहीं है हमें न्यूज़ चैनल पर बाइट देने का, उनके पास ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है, ऊपर से आदेश नहीं है, अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम सूचनाएं दे सकते हैं कि कितने छात्र पकड़े गए हैं और क्या क्या उन पर धारा चलेगा। समझ जाइए कितना ये उनका, उन्होंने बताया कि अगर वो जेल चले जाते हैं, चार्जशीट हो जाता है, तो उनका करियर चौपट हो जाएगा, यानी वो सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहेंगे। 400 आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 100B के तहत जो है उन पर मुकदमा चलेगा, जिसमें धोखाधड़ी करने का प्रयास और ये सब बहुत सारे मामले हैं। और ऐसा कहना भी है जो पुलिस के आधिकारिक सूत्र है उनका, कि इनके खिलाफ जो है काफ़ी पुख्ता सबूत है और ये जो है जेल की सलाखों के अंदर जाएंगे। इसके साथ ही साथ पुलिस का यह भी कहना है कि जो भी इस गोरख धंधे का मास्टरमाइंड है, उसके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि उसे पकड़कर जेल के अंदर डाला जाए, ताकि ये जो गोरख धंधा है, जिसमें कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको बहकावे में, जिनको प्रलोभन देकर जो है वो इसके जाल में लपेट लिया जाता है और मोटी रकम वसूल ली जाती है। HS बिहार के माध्यम से हम लगातार जो है शुरू से ये आपके पास अपील करवाते रहते हैं, चाहे गुरुओं से हो चाहे अपने स्तर पे हो, कि आप जो है एक स्वच्छ परीक्षा में भाग लें, अपने कर्म पर, अपनी तैयारी पर विश्वास करें। और अगर आप दो नंबर रास्ते से अगर नौकरी पा भी लेते हैं, तो आप नौकरी को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक नौकरी का एक जो है स्टैंडर्ड बनाया जाता है और उस स्टैंडर्ड की आवश्यकता आपके नौकरी के दौरान पड़ती है। अगर आप बैकडोर से जाएंगे तो आपको नौकरी में भी आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और एक डर बना रहता है कि अगर आपके कागजातों की जांच की जाएगी, अगर आप पकड़े जाते हैं 5 साल 10 साल नौकरी करने के बाद पकड़े जाते हैं, तो आपका भविष्य क्या होगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो इन सब बातों पर आप ध्यान दें और अपने कर्म, अपने पढ़ाई पर विश्वास करें। और मेरा वैसे अभ्यर्थी जिनका अभी सिपाही भर्ती परीक्षा में अगर उन्होंने सॉल्वर गैंग का सहारा लिया था, मेरा एक निजी उनको हिदायत है कि आप जो हैं उनको दिया हुआ पैसा भी आप मान ले कि डूब गया, आप फिजिकल परीक्षा देने ना आए, क्योंकि अगर आप फिजिकल परीक्षा देने आएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, आप पर चार्जशीट होगा, मुकदमा चलेगा और आप पनिशमेंट भी आपको दिया जाएगा और आपका पूरा करियर जो है चौपट हो जाएगा। तो एक भूल मानकर, एक गलती मानकर इसे न दोहराएं, इसको बीच में ही खत्म कर दें और कसम खाएं कि इसके बाद से मैं किसी भी तरह का जो दो नंबर का काम है, गैरकानूनी काम है, उसका सहारा लेकर किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हूँगा। क्योंकि मेरी अपील है, क्योंकि ऐसे भी छात्र हैं जो कि गांव से आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं, उनको प्रलोभन दिया जाता है, सपने दिखाए जाते हैं और वो इसके चपेट में आ जाते हैं जाने अनजाने में। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सहारा ले लिया है, अगर आप जाल में फंस गए हैं, तो निकलने का एक रास्ता है कि आप फिजिकल परीक्षा में शामिल ना हो और जो पैसे दिए हैं उसे मान ले कि वो डूब गया है, और कभी भी ऐसे तरीकों को ना अपनाएं जिससे कि आपको डर बना रहे, आप गैरकानूनी तरीके से नौकरी में जाएं, क्योंकि एक ना एक दिन जो आप गैरकानूनी तरीके से जाते हैं वो बाहर निकल के चला ही आता है और उस दिन आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। तो जो करियर का जो सवाल है, जिस पर आपको पूरा अपना जीवन बिताना है, उसमें कभी भी शॉर्टकट या जो गैरकानूनी रास्ते हैं उसे आप ना अपनाएं और परीक्षा का अच्छे से तैयारी करें, ईश्वर पर विश्वास करें, अपने कर्म पर विश्वास करें, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।